राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत मिल गई है। हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक अपनी कार्यवाही कर दें। अब हाईकोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी और मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई। आपको बता दें कि स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सोमवार को सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश सालवे की बहस पूरी हुई और फिर स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि अभी स्पीकर की ओर से किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया है, ऐसे में अदालत का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। दोनों गुटों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को 24 जुलाई तक के लिए मोहलत दे दी है और साथ ही स्पीकर को आदेश दिया है कि आप 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर अपनी तरफ से कार्रवाई कर दें। कानूनी लड़ाई से इतर राजस्थान में जुबानी जंग भी जारी है। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें पता था कि सचिन पायलट निकम्मा है और नकारा है, वे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। राजस्थान के सीएम ने कहा कि पिछले लंबे वक्त से वो नोटिस कर रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही सचिन पायलट को अपनी सरकार गिराने में दिलचस्पी थी। इस बड़े हमले के बाद सचिन पायलट का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सचिन पायलट का ये बयान अशोक गहलोत पर नहीं बल्कि उस विधायक को लेकर था जिसने सचिन पायलट पर 35 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से कई बार सचिन पायलट से पार्टी में वापसी की अपील की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अशोक गहलोत विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर बहुमत साबित करने की बात आती है तो गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी अशोक गहलोत के पास सिर्फ बहुमत जीतने या एक अधिक समर्थन है। ऐसे में अंतिम वक्त पर कुछ विधायक इधर उधर हुए तो सरकार खतरे में आ सकती है। अब सभी की निगाहें विधानसभा स्पीकर की कार्यवाही और हाईकोर्ट के 24 जुलाई के फैसले पर टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर फैसला किसके पक्ष में आता है। राजस्थान के सियासी ड्रामे को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।